हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूँ। झालरापाटन में मेरी शॉप है। तो आज हम बात करेंगे महिंद्रा 475 DI के टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों, हमने इसकी एक ये कैम गिरारी नई डाली है और एक हमने इसकी क्रेन गिरारी नई डाली है और एक हमने इसका आइडल गियर नया डाला है। तो हैमर की मदद से हमें इसको इस तरीके से बिठा लेना है। इसकी क्रेन गिरारी को कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया है छोटा सा, वो भी मैं डाल दूंगा। तो अभी हमें इसको निशान देख के और इसको बिठा लेंगे। तो अभी हमें इसके एक निशान तो हमें इस जगह मिलाना होता है इसके, और दो निशान हमारे ये इस जगह यहाँ मिलते हैं। एक निशान तो हमने उसमें मिला लिया और दो निशान हमारे आइडल गियर में मिलेंगे। एक तो हमें पंप का जो गियर होता है उसका टाइमिंग मिलाना है और एक क्रेन पे जो निशान रहता है उसका टाइमिंग हमें आइडल गियर से मिलाना होता है। और ये टाइमिंग मिलाने के बाद किस किस चीज़ को हमें देख लेना है कि हमारा टाइमिंग कन्फर्म है नहीं है, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी ज़रूर देखें। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। और हाँ दोस्तों, इस तरीके से हम इसके निशान मिला के और ऑयल लगा के इसमें, उसके बाद हम इसकी ये आइडल गियर की कैप लगा लेंगे और इसके सभी बोल्ट टाइट कर देंगे आइडल गियर के भी, और ये जो पंप के जो 13 नंबर नट है उनको भी टाइट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बैठ जाती है बहुत ही आराम से। दोस्तों, इसका मैंने फ्यूल टाइमिंग का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैंने पहले भी फ्यूल टाइमिंग के वीडियो डाले हुए हैं, तो मैंने इसका फ्यूल टाइमिंग का वीडियो नहीं बताया। तो इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा और इसकी क्या स्टार्ट में क्या इसकी फायरिंग आती है और कैसा इसका साउंड आता है वो आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको आइडल गियर को लगा लेना है और आइडल गियर लगाने के बाद हम इसका जो है नट टाइट कर देंगे। तो अभी हमने इसका आइडल गियर का नट लगा लिया है और ये सभी नट हम टाइट कर लेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि जब हमारा टाइमिंग ओके रहता है तो यहाँ एक राइट का निशान बनता है, ये इस तरीके से राइट का निशान बनता है। तो इस तरीके से इसका महिंद्रा का टाइमिंग मिलता है। वैसे मैंने 275 के भी वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहो तो उसमें भी जाके देख सकते हो। दोस्तों, इसके बाद जब ये हमारा टाइमिंग कम्प्लीट हो जाएगा तो हमारा जो पिस्टन है वो किस जगह रहेगा, तो सबसे पहले तो हमें ये निशान देख लेना है। ये निशान मिले हुए हैं, सारे निशान हमने मिलाए हुए हैं। उसके बाद हम इसका पिस्टन चेक करेंगे, तो पिस्टन बिल्कुल टॉप पोजीशन पर रहना चाहिए। एक नंबर जो इसका पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पोजीशन पर रहेगा और इसका जो प्लेंजर है वो भी इसका टॉप पोजीशन पर रहेगा। तो इस तरीके से हमें इसको चेक कर लेना है। अगर ये स्थिति बैठती है तो हमारा जो टाइमिंग है वो कन्फर्म है। वैसे मेरा मैं अलग ही तरीके से इंजन फिट करता था। पहले मैं इसके लाइनर पिस्टन लगा लेता, सॉरी टाइमिंग कवर लगाने के बाद लाइनर पिस्टन डाल के फिर पंप वगैरह लगाता। तो आज मैंने ये एक अलग तरीके से इंजन फिट किया है। अगर आपको मेरा यह तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।